नाम मोहम्मद अली जिन्ना, बाप का नाम जेनाबाई ठक्कर और माँ का नाम मिठीबाई। जिन्ना को आप जरूर जानते होंगे और जाने भी क्यों ना। जिन्ना वो आदमी था जिसने भारत के टुकड़े करके एक देश बना दिया, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान यानी वो देश जो धर्म के आधार पर बना, धर्म था इस्लाम। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन्ना का खानदान खुद इस्लाम धर्म को नहीं मानता था? जी हाँ दोस्तों, यानी वो आदमी जिसने इस्लाम के नाम पर पूरा देश बनाया, उसका खुद का खानदान इस्लाम को नहीं मानता था और वो हिंदू था। लेकिन वो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बना। पर क्यों? जो गुजरात आज गांधी की पहचान है, वही गुजरात जिन्ना की भी पहचान है। जिन्ना का ये पुश्तैनी घर गुजरात के राजकोट जिले के पनेली मोटी गाँव में है। ये गांधी के घर या फिर यूं कहें कि गांधी के म्यूजियम से 95 किलोमीटर दूर है। यहाँ इनके दादा पूजा भाई ठक्कर रहते थे, जो लोहाना ठक्कर जाति के थे। पूजा भाई के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, और इन्हीं में से एक थे जेना भाई ठक्कर। जेना भाई के बेटे हुए मेहमद यानी मोहम्मद अली। लेकिन ये परिवार हिंदू था। पूजा भाई मछली का व्यापार करते थे और लोहाना जाति रूढ़ीवादी थी। ऐसे में मछली के व्यापार को लेकर बहुत विरोध हुआ। लोगों ने उन्हें जाति से बाहर निकाल दिया और उनका बहिष्कार कर दिया। अपने समाज से बाहर निकलने के बाद पूजा भाई ने इस्लाम अपना लिया और ये परिवार खोजा मुसलमान बना। हालांकि बाद में पूजा भाई हिंदू भी बनना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जेना भाई मुसलमान तो बन गए थे, लेकिन अभी उनका जिन्ना बनना बाकी था। जी हाँ, जेना भाई का ही जिन्ना बना था, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। जेना भाई से बने जिन्ना। जेना भाई ठक्कर काम के लिए कराची चले गए। ये बात 1875 की है, यानी कि गुलाम हिंदुस्तान की। इस वक्त अंग्रेजों ने मुंबई की तरह ही कराची को भी ट्रेडिंग पोस्ट बना दिया था। कराची में जेना भाई की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्रॉफ्ट से हुई। वो कराची में मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के जनरल मैनेजर थे। फ्रेडरिक से मिलने के बाद जेना भाई की जिंदगी बदल गई और उनका कारोबार खूब फला फूला। कराची में ही जेना भाई की पत्नी मिठीबाई ने 25 अक्टूबर 1876 को एक बेटे को जन्म दिया। पूजा भाई के घर में सभी पुरुष सदस्यों का नाम हिंदुओं की तरह ही था, लेकिन कराची बिल्कुल अलग जगह थी। कराची में मुस्लिमों की बड़ी आबादी थी और आसपास के बच्चों के नाम बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मुसलमान रखते हैं। जेना भाई को लगा कि वो अपने नवजात का नाम कुछ ऐसा ना रखें जिससे नुकसान हो, इसलिए जेना भाई ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली जेना भाई रखा। हालांकि उन्होंने नाम के आखिर में काठियावाड़ इलाके में पिता के नाम जोड़ने की परंपरा नहीं छोड़ी। इसके बाद मोहम्मद अली जेना भाई की प्राथमिक शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। 9 साल की उम्र तक उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए टीचर आता था, और इसके बाद 9 साल की उम्र में उन्हें प्राथमिक स्कूल भेजा गया और बाद में सिंध मदरसतुल इस्लाम में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर उन्होंने 3.5 सालों तक पढ़ाई की। मदरसे के बाद मोहम्मद अली को कराची के चर्च मिशन स्कूल में भेजा गया। अब अगर मोहम्मद अली जेना भाई के मोहम्मद अली जिन्ना बनने की बात करें, तो साल 1892 में वो लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए फ्रेडरिक की सलाह पर, और वहाँ पर यानी कि लंदन में वो अपने नाम में से जेना भाई हटाकर उसे जिन्ना कर लेते हैं। इस तरह से मोहम्मद अली जेना भाई बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जिस परिवार को उसी की जाति से बाहर निकाल दिया गया था, उसी परिवार से निकला एक लड़का आगे जाकर इतना ताकतवर बना कि उसके पीछे पूरा एक देश बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।